थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के गड़ी बदौरिया में स्थित जूते की फैक्ट्री में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बोदला क्षेत्र के गड़ी बदौरिया में एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह लगभग 5 बजे आग लगने की जानकारी लोगों को हुई। आग के लपटे और काले धुएं के गुब्बार से आसपास के घरों में भी दहशत फैल गई। आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची आग के लपटों से लोग घबरा गए। आग की सूचना मिलने पर मौके पर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। फायर कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक्चुअल में क्या था कि मैं मेरे घर पर मेरी किरायदानी पहुंची थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। नहीं, मेरी फैक्ट्री नहीं, मेरे किरायेदार की है जी। कैसे आग लगी कुछ पता नहीं। ये कुछ मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट है लाइट का। कितने बजे आग लगी? ये करीब करीब मेरे पास 5 बजे घर पहुँची है जी। उससे पहले आग लग चुकी थी। कितने एरिया में? ये करीब करीब 450 एरिया में, 450 आग लगने से आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। रिहायशी इलाके में जूता फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो काफी समय से रिहायशी इलाके में चल रही थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। आग लगने से कई लाख रुपए का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।